अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान ने फिर किया मिसाइल और रडार सिस्टम का परीक्षण। परीक्षण से किसी भी समझौते के उल्लंघन से किया इनकार। पाकिस्तान में कश्मीर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर राग। कश्मीर को भारत और पाक विभाजन का अधूरा एजेंडा बताया, तो वहीं पाक सेना ने कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया में जारी किया वीडियो। जल्द ही अब्दुल बासित बन सकते हैं पाकिस्तान के अगले विदेश मंत्री। अगले हफ्ते हो सकता है औपचारिक ऐलान। पाक विदेश मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं बासित। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उतरे दर्जनों प्रदर्शनकारी। अमेरिकी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। अमेरिका फिलीपींस के संयुक्त सैन्याभ्यास की आलोचना। और श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने 60 कैदियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला। न्याय मंत्री विजयदासा ने पीएम राजपक्षे से की थी सिफारिश। 1976 से लेकर अभी तक श्रीलंका में अभी तक किसी को नहीं दिया गया है मृत्युदंड।